हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके डिस्प्लेक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई डीटीएस से रिलेटेड वीडियो नहीं लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जियो के लाइव मोबाइल पे सॉफ्टवेयर चलाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने जियो के मोबाइल पे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा जियो का मोबाइल है जो कि लाइव मॉडल का है, और ये मैंने लगभग 1500 रुपये का लिया था। तो इसमें आज मैं सॉफ्टवेयर चलाऊँगा, थोड़ा हैंग वगैरह करता है, तो मैंने सोचा कि इस पर सॉफ्टवेयर चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो देख सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला सॉफ्ट मोबाइल है तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। F81E ब्लैक, आप देख सकते हैं इसका मॉडल F81E ब्लैक। तो हम आज इस मोबाइल पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपग्रेड प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फाइल्स की लिंक दे दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर वो कैसे करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ एफ ये लिखा हुआ है कोने में, ये इस तरीके का कुछ लगभग 300-400 MB का ये फाइल मिलेगा। आपको ये डाउनलोड करना है, जिप में होगा, उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट में अगर पासवर्ड लगा हो तो पासवर्ड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जब एक्सट्रैक्ट आप इस तरीके से कुछ करोगे, जिप फाइल को इस तरीके से करोगे, जब एक्सट्रैक्ट होगा तो कुछ ये 800 MB की हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये 800 MB होने के बाद यहाँ तीन मिलेंगे, ये स्कैटर फाइल है इसकी, और ये USB ड्राइवर है। इसे सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा 32 बिट या 64 बिट के अनुसार, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, इसे ये टूल है, इसे आपको इससे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, ये अपग्रेड टूल है। तो मैंने ये इसे इस पर क्लिक करके ये रन कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, काट देता हूँ इससे पहले, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल को फ्लैश किया था इसलिए ये रनिंग कर रहा है। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से मतलब सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, और यहाँ पे मैंने अपग्रेड टूल पे मैंने USB ड्राइवर जो है ना ये इंस्टॉल कर लिया था। मैंने अभी आपको बताया पहले इसे इंस्टॉल करना होगा तभी आपका ये काम करेगा। अपग्रेड करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसे नो करना है। मैं एक बार फिर काट देता हूँ, इसे मैंने रन वाई करना है आपको, यहाँ से रन है जैन मिस्टर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं लोड मांग रहा है क्योंकि मैंने फाइल ऐसे ही ऑलरेडी लोड की थी। मैं नो कर देता हूँ और आपको दोबारा से लोड करके दिखाता हूँ। तो आपकी ये जहाँ पे भी ये फाइल होगी आपको वहाँ जाना है। तो मेरी डी में फाइल है, डी ड्राइव में, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और पहले नंबर की जो फाइल है यहाँ पर क्लिक किया और इस पर सेलेक्ट करके और ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है मेरा। अब आपको करना क्या होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे मुझे जो कि डाटा केबल है मेरी, ये यहाँ पे इसमें अपनी USB पोर्ट में इंसर्ट करनी है। और पहले आपको अगर आपका मोबाइल में बैटरी लगी हुई है तो बैटरी एंट्री हटा लीजिए उसकी। तो मैंने आप देख सकते हैं बैटरी एंट्री हटा ली है। अब इसमें पहले बैटरी मुझे लगानी होगी, मैं आपको बैटरी लगा के दिखा देता हूँ। और सॉरी, बैटरी मैंने लगा दी है। अब इसमें मैं USB पोर्ट को इंसर्ट करूँगा, आप देख सकते हैं। USB पोर्ट को इंसर्ट करता हूँ, आपको मैं दिखा दे, सॉरी एक हाथ में मोबाइल पड़े हुए इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने USB पोर्ट इसमें इंसर्ट कर दिया है, और मैंने मोबाइल से अपने 5 नंबर की डायल करनी है, थोड़ी देर होल्ड करके रखनी है। ये देखिए 5 नंबर की डायल करते ही ये देखिए यहाँ पे वेटिंग चेक आ गया है, फील्ड आ गया, सॉरी दोबारा से मुझे ट्राई करना होगा। मैं एक बार फिर से इसे ट्राई करता हूँ, यहाँ मैं मुझे इसे फिर हटाना होगा, और यहाँ पे फिर से मैं इसमें लगाना होगा डाटा केबल, और फिर 5 की बटन प्रेस करनी होगी। तो देखते हैं, चेकिंग अनप्लग दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा इशू आ रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैंने एक बार अभी सॉफ्टवेयर चलाया था तो एक बार में ही हो गया था, बट दोबारा सॉफ्टवेयर चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। शायद एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं इस बैटरी को हटा के, और इसकी डेटा केबल है इसमें इंसर्ट करते हैं इसी पर सीधे साधा आराम से, और यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और ओके फिर से प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं मेरी जो कि प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है, आप देखिए
प्रोसेस मेरी स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। और ये मोबाइल है मेरा फिलहाल, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा, अभी डेटा करके थोड़ा कनेक्ट है। आपको सिंपली करना क्या है, अपनी यहाँ से फाइल आपको इसमें ब्राउज करनी है, जहाँ पे भी आपकी स्कैटर फाइल है वहाँ से फिर इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर में यहाँ पे डेटा केबल लगानी है और मोबाइल में भी यहाँ पे इसमें के पोर्ट में लगा देनी है। पोर्ट में लगा देने के बाद, डेटा केबल लगा देने के बाद आपको बॉक्स को सॉरी मोबाइल में 5 नंबर की जो की है उसे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है दबा के। जैसे ही आप थोड़ी देर दबा के रखोगे वैसे ही आपकी कंप्यूटर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और ये प्रोसेस चल रही है, देखते हैं कितनी देर में मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो जो कि मेरा 59% पे कंप्लीट हो गया है और ये 100 जब हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको ना ही मोबाइल हटाना है USB केबल से, ना ही आपको अपना लैपटॉप बंद करना, नहीं तो आपको मोबाइल डेड हो जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को देखिए, हमें कॉमेंट्स कीजिए, हम कोशिश करेंगे आप कॉमेंट का रिप्लाई देने की। तो आप देख सकते हैं 95% मेरा कंप्लीट हो चुका है। मोबाइल का फ्लैश थोड़ा जल रहा है दोस्तों, इस थोड़ा अंधेरे टाइप में है, इस वजह से आपको शायद सही से ना दिख रहा हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सही से दिखाने की। तो 112% हो गया है, थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। 119, 120, 121, 22 और ये साइड 125 पे कंप्लीट हो जाएगा। 127, 28, 29 और 130, आपको ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है मेरी अपग्रेडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट लोडर वगैरह पास वगैरह ये सब हो रहा है, अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं पास हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से इसको निकालना है, मैंने निकाल दिया। और निकालने के बाद इसमें से एक बार बैटरी निकाल के इस तरीके से फिर से लगानी है, मैंने लगा दी और पावर ऑन करना है। और देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ और मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है, थोड़ा ये पहली बार जो बूट लोगो ओपन होता है तो इसमें थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। पहली बार में ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये रेगुलरली आपकी स्पीड अप मतलब ओपन होने लगेगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं इस जो फाइल की सॉफ्टवेयर लिंक का सॉफ्टवेयर का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। और सॉफ्टवेयर होगा आपका लगभग, वैसे तो 800 MB का है लेकिन ये जिप में है कंप्रेस फाइल, तो ये 400 MB का है। तो 400 MB का आपको फाइल ये आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा जिप के थ्रू, जिप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। उसमें आपको मैं वीडियो के नीचे सॉफ्टवेयर का लिंक जहाँ दिया है वहीं मैं पासवर्ड का लिंक दे दूँगा, और पासवर्ड जो दे दूँगा तो आप वो कॉपी करके भी कर सकते हैं या टाइप करके उसमें जैसे ही आप डालोगे और आपका सॉफ्टवेयर जो एक्सट्रैक हो जाएगा। और फिर आप, मैंने प्रोसेस बता दिया है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लैंग्वेजें आ रही हैं, आप जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ और मैंने हिंदी सिलेक्ट कर दी, ओके करना है मुझे। और यहाँ पे अस्वीकार करें, स्वीकार करें, ओके करना है। और यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो अप्लाई करके ओके करना है। अब देख सकते हैं मेरा जो कि मोबाइल है ओपन हो चुका है, पहली बूट में आपको टाइम लेगा। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों नया है, पहले के मैंने एक बार डाला था तो वो वाला ओल्ड था, बट ये वाला नया है। आप देख सकते हैं इसमें व्हाट्सएप वगैरह शायद मिल सकता देख मिल जाएगा, मैं देखता हूँ, लेकिन इसका सिक्योरिटी पैच नया होगा। सॉरी यहाँ फाइल्स नहीं है, यानी कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको सेटिंग में जाता हूँ और सॉफ्टवेयर का दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैटरी 89% है, विमान ऑफ आई थिंक खोजें डिस्प्ले को भी देता
यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इसका, बस हो गया, कहाँ पे इसका डिवाइस की जानकारी ये दे रही, मिल गई। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल का मॉडल है, F81E। तो अगर आपके पास ये F81E है तो आप इसे अपग्रेड कर लीजिए। और ये क्या इसका 2.0 सॉफ्टवेयर है, और देखता हूँ मैं अगर इसमें और जानकारी, अधिक जानकारी यहाँ पे दी हुई है। कायोस पर संस्करण हार्डवेयर संशोधन, यहाँ डेट वगैरह समझ में नहीं आ रही, कुछ सिक्योरिटी पैच वगैरह दिया है या नहीं, कुछ डिफरेंट टाइप में है। तो बस आप देख सकते हैं मेरा सब सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आपका बॉक्स मोबाइल डेड है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। मैंने आपको प्रोसेस बता ही दी है किस तरीके से आपको अपग्रेड करना है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।